वेलकम टू कपिल शर्मा शो। भाई मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ जी, चाय पियेंगे आप? तो मंगवा लीजिए, मुझे क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि आज सिर्फ एक कप चाय ही है, वो भी मेरी सरला के लिए। आज वो चाय पिलाकर मैंने उसको शादी के लिए प्रपोज करना है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मेरे भी दो चार बच्चे हों। क्या बात है यार। सरला के लिए चाय बनाएंगे, चाय में डालेंगे सबसे पहले पानी और इतनी जल्दी चाय नहीं बनानी, नहीं करना। ये मैंने डाला दूध, ये इलायची, शक्कर और ये डाली मैंने पप्पी, सॉरी पत्ती। अच्छा, इन चीजों के साथ साथ ना एक और चीज बड़ी जरूरी है, गैस ऑन, जो कि मैं भूल गया हूं। चंदू देख, तेरा सच्चा दोस्त आ गया। खबरदार, तुमने मेरा नाम लिया तो। चंदू यार, मैं तुमसे, तुम्हें पता गधा भी तुम्हारे हाथ से अच्छा करता है। वो तो है, अच्छा ही कर रहा है। हाँ बता, क्यों मेरा नाम लेता तू? यार तू मेरा दोस्त है। हाँ। नाम क्या? हाँ। तू थोड़ी सी ढील दे, मैंने तेरा काम भी ले लेना। ये चप्पल देखी है तुमने? देखी क्या, मैंने खाई बड़ी है। तो तेरे काम वैसे हैं इसलिए तूने खाई है। ये तो कल बैंक में जाकर कहता मेरे को लोन चाहिए। वो कहते कौन सा? कहते माल्या वाला लोन चाहिए जो वापस ना करना पड़े। और जिनके पास चप्पलें नहीं थी उन्होंने खरीद के मारी है इसको। बाहर निकलो, वहां जाकर ढूंढो काम। चलो। मैं यहाँ काम मांगने नहीं आया हूँ। तो फिर तुम चाय वाले हो ना? हाँ। तो भर पेट चाय पिलाओ। फिर मुझे एक बात बताओ, चाय पेट भर के कौन पीता है? जिनको भर पेट रोटी नहीं मिलती। एक काम करो। हाँ। ये ले 5 रुपए, चाय पिला। चल। ये ले 10 रुपए, बाहर जाकर पियो। चलो इधर चलो बाहर। मैंने आज गंदी चाय पीनी है। मैं गंदी चाय बनाता हूँ? तो और क्या, पिछली बार तेरी चाय पी थी, मेरा कान खराब हो गया। यार चाय पीकर मूड खराब, गला खराब, ये सुना था, कान कैसे खराब होता है? मैंने अपनी बीवी को पिलाई थी ना, उसको इतनी बुरी लगी उसने कप उठा के मेरे कान पे मारा। ये गोल सूट केस तुम्हारा है? हाँ। चलो फिर लेकर निकलो बाहर। चलो चलो। ये तो गलत करता है, तू भूल गया? मुझसे 100 रुपए मांगा करता था तू। हाँ यार मैं भूल गया, चलो बाहर। चलो चलो। अपनी बाहर जाना। 6 महीने के लिए ना मैंने ये कमरा खरीद लिया है। 6 महीने के लिए खरीदना नहीं कहते, उसको किराए पे रहना कहते हैं। चलो ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, सेट मैक्स पे सूर्यवंशम और सोनी पे ठाकुर को आने से कोई नहीं रोक सकता। चंदू मेरे दर्द में बड़ा सर हो रहा है, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा चाय पिलाओ ना। देखो तुम्हारी चाय के लिए 11 भैंसों का दूध लगता है। तुम ना चाय वाले पेट्रोल पंप पे जाओ और उसको बोलो कि फेफड़ों तक मेरी टंकी फुल कर दें। इस पे मुझे हंसना है तो, और इस पे ये बताना था कि कवि क्या कहना चाहता है। मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, मुझे क्रोध आ रहा है। देखो इधर नहीं करना, बाहर जाकर करो जो भी करना है तुम्हें। क्योंकि तुम्हें जो भी आता है बहुत ज्यादा आता है। कल तो ये सुलभ शौचालय जाकर कह रही थी, कहती मेरा पेट दर्द हो रहा है, 2.5 घंटे के कितने पैसे लगेंगे? और इनके पापा ने पैसे ले भी लिए। इस पे हंसना था। मेरी बात सुनो, आज मैं बहुत रोमांटिक मूड में हूँ, इसलिए मुझे ज़रा डिस्टर्ब नहीं करना, ओके? जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, तुम्हें गुस्से में रहना चाहिए। सच में रोमांटिक, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जिसके लिए रोमांटिक हो रहे हो उसे भी तुम्हारे लिए रोमांटिक होना चाहिए, पता है? बम्पर, उसके लिए तो मैं चाय बना रहा था। इधर आ यार, मेरी बात सुन, मुझे ना तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मेरी हेल्प? मैं क्या कर सकती हूँ? अदरक पे बैठ जाओगी?
उससे क्या होगा? उससे अदरक की जान निकलेगी, फिर अदरक को मैं चाय में डाल दूंगा, फिर उसमें चाय में जान आ जाएगी। बेवकूफ आदमी, मैं यहाँ पर अदरक कूटने नहीं आई हूँ। तो फिर मुझे चाय चाहिए और चाय बना के तुम मुझे दोगे। मैं तीन तक गिनूंगी, तीन। ओ यार ये बात सुनो, चाय सिर्फ मेरे पास एक कप है, वो भी मैंने सरला के लिए बनाया। हाँ तो उसके लिए दूसरी बना दो। देखो ये दूसरी थी, पहले वाली तो फट गई थी। देखो ये चाय मैं सरला के अलावा किसी को नहीं पिला सकता हूँ। क्यों? इधर निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये आप अपनी बेइज्जती करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? बेइज्जती तो तुम खुद अपनी करवाती रहती हो। कल भैंस का चारा खा गई, मैंने कहा क्यों खाया, कहती मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। तू पैसे बोल, पैसे बोल, चाहे तो मैं ही पीऊंगी। वाह, वक्त ने कहां लाकर खड़ा कर दिया। कहां लाके खड़ा कर दिया, गुरदासपुर में खड़े हो क्या? बंपर मेरी बात सुन ले, ये चाय मैं सिर्फ और सिर्फ सरला को पिलाऊंगा। एक्चुअली ना बाबा ने मेरे को एक विभूति दी थी, उन्होंने कहा था ये चाय में मिलाकर सरला को पिला दो, सरला तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, मैं पहले ही सरला को बता देती। हेलो हेलो सरला, हाँ जरा जल्दी फोन उठाओ। तुमने मुझे डंडे से मारा। साइड में हट जाओ, मुझे बेहोश होना है। ये इधर हो जाओ, थोड़ा सा हंसो, थोड़ा स्माइल करो। वाह, कभी कभी ना बड़ी टेंशन हो जाती पाजी, लेकिन क्या करूं, इश्क मोहब्बत में सब कुछ जायज है। वाह चंदू, चंदू इधर क्या खड़ा है, चल फटाफट चाय पिला, चल चल चाय पिला जल्दी जल्दी। ये क्या चंदू चाय पिला, चंदू चाय पिला, ये क्या होता है? तो क्या कहूँ चंदू, जहाज चला क्या करूँ, तेरा जो काम है वही कहूंगा मैं। तो मेरी बात सुनो, मेरे साथ जहाज की बातें आपने बिल्कुल नहीं करनी। एक काम कर, एक फलूदा खिला। अच्छा इन कपड़ों में मैं आपको फलूदे वाला लगता हूँ? नहीं नहीं, तू क्वीन एलिजाबेथ लग रहा है तू। और ये क्या बड़े बड़े हंस रही है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैंने ना इनको अपना चुटकुला सुनाया है। ऐसा तूने कौन सा चुटकुला सुना दिया जो अभी तक हंस रही है? नहीं नहीं, वो मैं सुनाया था, एक डंडा होता है, एक सर होता है। फिर बस इतने में हंसी आ गई उनको। ये चुटकुला मुझे भी सुना, चल। नहीं नहीं आप रहने दो। तूने सच्ची में चुटकुला सुनाया क्या? और कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, और कुछ मैं क्या करूंगा, मेरे खुद के घर में मोटी माँ बहने हैं, मैंने कुछ नहीं किया। और वैसे भी डंडे के साथ कोई बंदा मर थोड़ी जाता है। डंडे से? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये, मेरे पास चाय मांगने के लिए आई थी, मैंने मना कर दिया, हमारे बीच झगड़ा हुआ और गलती से इसके सर में चुटकुला लग गया, मेरा मतलब डंडा लग गया। ओ थैंक यू यार, मुझे पता तू समझ जाएगा। हेलो पुलिस स्टेशन क्या? क्या मुझे 10,000 की बहुत जरूरत है? मुझे नहीं लगता वो देगा, जो अभी तक रिएक्शन दे रहा है मुझे नहीं लगता 10,000 देगा। नहीं, नहीं। जी जी, रुको रुको, इस केस में फांसी भी हो सकती है। नहीं नहीं, रुको रुको, नहीं रुकिए, रुको भाई, अभी अभी निकाल रहा है। 8,000 है बस, 8,000 और नहीं। अच्छा तो 2,000 कम देगा तो मतलब 1.5 मिनट तो फांसी लगेगी। यार मैंने 30 सेकंड में मर जाना, रुको। ये ले बाबा 10,000, उसको पीछे बिठा अपनी माँ को, किसी ने देख लिया तो फांसी हो जाएगी तुझे। 10,000 दिए, थोड़ी हेल्प कराओ ना। तू मुझे 10,00,000 भी दे देगा ना, मैं नहीं उठाऊंगा इसको, मेरे को कमर तोड़वानी अपनी। चलो चलो चलो, शाबाश, गायब हो जाओ इधर, चलो। अब चाय पिला। 10,000 के बाद भी चाय? देखो मेरी बात सुनो, चाय मैंने सिर्फ मेरी सरला के लिए बनाई है। तेरी सरला कहां से होगी बे, वो अपने घर वाले उसको खुद नहीं बोलते हमारी सरला, तेरी कहां से होगी वो है? तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हो जाएगी। रूम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। सरलू सरलू, एक मिनट, क्या हो सरलू सरलू? हाँ कितनी मेरी भतीजी की बदनामी हो रही है, एक तो बेचारी की शक्ल अच्छी नहीं है, हमने नाम अच्छा रखा है, ऊपर से सरलू, क्या होता है ये सरलू सरलू? हाँ आया बड़ा,
चल चाय पिला, बड़े दिनों से अच्छी चाय नहीं पी। देखो वो चाय आपके लिए नहीं है। मतलब? चाय मैंने सरला के लिए बनाई हुई है। ओए 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 ओए, सरला के लिए बनाई है? हाँ सर, जब से लड़की मोहल्ले में आई ना, मेरी सरला लड़के कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए आपने फटाफट। एक मिनट मौसी, मेरी बात सुनिए आप ना फटाफट सरला। नहीं नहीं, पहले वाला अच्छा लग रहा था, वही अच्छा। कर मौसी हाँ, फटाफट से ना सरला को बुला दीजिए, क्योंकि आज मैंने उसको चाय पिलाकर ना शादी के लिए प्रपोज करना है। एक मिनट छोड़ जरा, क्या कहा? प्रपोज करना है सरलू को? तेरी हिम्मत कैसी हुई? एक चाय वाला होके मेरी बतख जैसी लड़की को प्रपोज करना है? हाँ तो आप जरूरी थोड़ी है कि हर चाय वाला देश में कुबारा ही घूमता फिरे। क्यों सिद्धू भाजी, मैं ठीक हूँ ना? सिद्धू जी से क्या पूछ रहा है, वो तो खुद शादी से बचने के लिए इधर आके बैठते हैं। अच्छा। ऐसे थोड़ी तीन तीन काम पकड़े हुए इन्होंने, घर तो जाते हैं वैसे ही पता लेने के लिए कि फ्रिज का दरवाजा तो नहीं खुला रह गया, ये बिल्ली दूध तो नहीं पी गई। इन्होंने तो आज तक फेसबुक पे अपना स्टेटस डाला हुआ ऑलमोस्ट सिंगल। चाय मुझे पिला बे। ये चाय सिर्फ और सिर्फ सरला के लिए है। मौसी इतनी तीखी कौन नहीं है, इसके मुंह पे क्यों नहीं मारती आप? बेटा मेरी तो चीची भी बड़ी तीखी, मुंह पाड़ दूं इसका मैं तो। सरलू सरलू, चाय तो मैं ही पीऊंगी। मेरी बात सुनो, ऐसे ना करो, पता क्या बात है, फिर मैं बेईमान हो जाता हूँ। अच्छा वैसे ये कैसा हजार का नोट है जिसमें एक जीरो कम है? रुको मैं अभी चाय लेकर आता हूँ। गरीबों के बिल गेट्स, ये 1000 रुपया नहीं 100 रुपया है। और मैडम और सरकार कैशलेस स्कीमें चला रही हैं और आप इतना सारा कैश लेके घूम रही हैं। इतना सारा का 100 का तो नोट है। आपके लिए 100 का नोट है ना, जिसके पास नहीं होता उससे पूछो, 1.5 किलो पकौड़े खा के आता ये 100 रुपए में। कप्पू मेरे पैसे वापस कर। ऐसा किसी का हुआ आज तक? थोड़ी देर पहले आपके पास था, अभी मेरे पास है, कल फिर मेरे पास रहना, क्योंकि मैंने खर्च नहीं करना। मेरे पैसे। कर दो चाय पिला, क्या कर रहे इधर? मौसी आप मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ एक बार सरला को बुला दीजिए, चाय मैंने उसको पिला करना, आज मैंने शादी के लिए प्रपोज करना है। सरला सरला, क्या है, कौन इतनी सुबह सुबह बुला रहा है? मौसी देखो लगता है कोई भिखारी आया है, एक कटोरी चावल दे दो। वाह, चावल मांगने वाले चावल देने की बातें कर रहे हैं, ये तो कोई इनको गाली भी दे जाए, उसको कहते दो दे दो, एक सुबह खा लूंगी एक शाम को, इतने इनके हालात खराब हैं। चलो जल्दी लेके आ चाय मुझे दे। ठीक है मैं अभी चाय लेकर आता हूँ, रुक जाओ। जल्दी लाओ। सरलू सरला, कप्पू, कप्पू तुमने मेरे लिए चाय बनाई है, हाउ स्वीट। मैं तुम्हारे लिए मुंह ना बनाऊंगा, अभी चाय बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं बोलती, कितने प्यार से तुमने मेरे लिए चाय बनाई है। हाय ये इन्होंने नहीं, ये चुप रहो। वैसे पता है कप्पू, मैंने ना कल रात को एक सपना देखा कि मैं आपके लिए एक बेड टी बना कर लाती हूँ, फिर आपने पहली सिप ली और फिर आपने कहा, बहुत बकवास है, यही कहा होगा मैंने। नहीं, आपने कहा वेरी नाइस टी एंड आई लव यू सल्लू। ये तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा, ये सारा कांड मैंने किया है। तुमने? हाँ। तुम जैसे गरीबों को मैं अपने सपने में आने नहीं देती। ऐसे मत कहो सरलू, मैं ही था तुम्हारे सपने में। तुम चुप रहो। वैसे कप्पू मुझे नहीं पता था तुम इतने रोमांटिक हो, मेरे लिए चाय बनाई है तुमने। मुझे कहाँ पता तुम इतनी डीट हो, मैं इतनी बार बोलता हूँ तुम फिर भी रोमांटिक हुए जा रही हो। अच्छा मुझे चाय दो ना, मुझे पीने। एक मिनट बेटा, हाय मक्खी गिर गई। कहाँ मक्खी गिरी? अरे मौसी, कप्पू ने मेरे लिए चाय बनाई थी, पूरी की पूरी पी गई। अरे कुत्ता कहाँ है, मुझे स्टार्ट करना है, अमेरिका निकलना है। अमेरिका? कुत्ते पे रिएक्ट कर, अमेरिका तो लोग जाते ही हैं। एक मिनट भैया, गिटार छोड़ो, कार निकालो, मुझे चांद पे जाना लेट हो रहा है यार। ओ, टेम्पो में तो पूरी नहीं आती है आप तो। ए, क्या मिला तूने? मैंने क्या मिला? वही अदरक, चाय पत्ती। उसके अलावा क्या मिला ये बता। मैंने तो यही चीजें बड़ी मुश्किल से अरेंज की थी, और मैं क्या मिलाऊंगा। अकबर बादशाह से कह दो कि दुश्मनों ने हमारे देश पे हमला कर दिया है। मैं कल्ला कल्ला को काट दूंगी। सारी को हमला।
हे पागल शांत हो जाओ। मौसी शांत हो जा। शांत हो गई। कटप्पा बाहुबली से कह दो कि हम हमले के लिए तैयार हैं। जय माशमती, हमला करेंगे। सही से बता, तूने क्या मिलाया था चाय में? ओ यार कपू, मेरे को बाबा ने भूति थी। क्या दी थी बाबा ने? भूति क्या? ओ बाबा जी ने मेरे को भूति दी थी। सीरियस हो कपू? बाबा विभूति क्या मिलाया तूने चाय में? ओ बाबा जी ने मेरे को भूति दी थी, कहते चाय में डालकर सरला को बुला देना, वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। और ये चाय पी लिया मौसी ने, शुक्र है वो पागल हुई है, प्यार नहीं हुआ उसको। अगर प्यार हो जाता मैं तो लुट गया था। मौसी मेरी बात सुनिए, इसके बाद मौसी तो अरे पंपल के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। एक तो वो हैं जिनकी वजह से टेलीविजन जो है वो फिल्म के पर्दे से भी ज्यादा बड़ा और कमर्शियली सक्सेसफुल है, और दूसरे वो हैं जिनकी वजह से बॉलीवुड जो है एक लीग से हटके अलग सिनेमा बनाने में कामयाब रहा है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा द डेली सोप क्वीन एंड फिल्म प्रोड्यूसर वेरी टैलेंटेड एकता कपूर, और साथ में कमाल के डायरेक्टर मिस्टर प्रकाश झा। जोरदार तालियां। आ रहा कुछ? अपनी काबिलियत से ही कोई शख्स इतना मशहूर होता है। वाह, प्रकाश जी जैसे डायरेक्टरों की वजह से ही फिल्म इंडस्ट्री को गुरूर होता है। वाह, टीवी इंडस्ट्री की क्वीन वंडर वुमन है ये लेडी। हीरे तो बहुत हैं पर आप जैसा कोहिनूर कोई एक होता है। सिद्धू जी के सिंहासन का एंगल क्यों बदल दिया? एंगल क्योंकि तो सर सीधा तो ऐसे देखेंगे ना तो फिर ऐसे देखने में बड़ी परेशानी होती है, तो थोड़ा ऐसे बैठ जाते हैं, इधर भी देखते रहते, इधर भी देखते रहते हैं, क्योंकि आजकल कपिल लड़कियों को तिरछी नजर से देखता है। एकता प्रकाश सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए। वेलकम वेलकम। पाजी एक फिल्म आ रही है लिपस्टिक अंडर माय बुरखा। हाँ? हाँ। कमाल का नाम है यार, इसके ही ऊपर ठोको। प्रकाश सर उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, एकता डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सर लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, अगर अंडर माय बुरखा ही है तो लिपस्टिक की क्या जरूरत थी? आई मीन व्हाट इज दिस फिल्म अबाउट? देखिए लिपस्टिक जो है जी वो हमारे औरतों की लड़कियों की छोटी छोटी आजादी, छोटी छोटी खुशी, छोटे छोटे अरमान जो उनके मचलते रहते हैं उसका सिंबल है जी। और बुरखा जो है वो जिस तरह की बंदिशें, जिस तरह की पाबंदियां समाज उनके सामने लगाता रहता है जी,
उसका सिंबल है। क्या बात है सर, कमाल कर दिया आपने, ब्यूटीफुल। एकता मिसाल है, इनको डेली सोप क्वीन कहा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की और बहुत सारी बोल्ड फिल्में भी प्रोड्यूस की। अच्छा, जब कभी एकता हम अपनी फैमिली के साथ ऐसे फिल्म देखते हैं, कोई प्यार मोहब्बत वाला सीन आ जाता है जब, कोई तो आदमी ना धीरे से ज्यादा सोने की एक्टिंग करने लगता है या फटाफट उठ के किचन की तरफ चला जाता है, दूध तो नहीं उबल गया मेरा, जाके देखते हैं। आप जो फिल्में बनाती हैं, आपको पता है कि इसमें ऐसा कोई बोल्ड सीन आने वाला है, जब फैमिली आते हैं तो उस समय आप उठ के चली जाती हैं, उससे मैनेज करती हैं? देखिए, मेरा सिंपल फंडा है, जब आप टीवी देखते हैं तो आप अपने फैमिली के साथ देखते हैं, तब कुछ अनकंफर्टेबल आए तो मेरी गलती है जी। फिल्म में प्रोमो आपको पहले दिख रहा है जी, आप क्यों जाएंगे अपनी माँ के साथ वो फिल्म देखने के लिए? अगर आप जब आप ऐसी कोई बोल्ड फिल्म बनाते हैं, फैमिली के लिए प्रीमियर नहीं रखती बिल्कुल भी? मैं फैमिली के लिए प्रीमियर रखती हूँ, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ देखेंगे, मैं अपने दोस्तों के साथ देखूंगी, साथ में देखने की क्या जरूरत है? वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा प्रकाश सर जो है बहुत ही साधारण व्यक्तित्व है इनका, एकदम से सादा सिंपल जीवन व्यतीत करते हैं, कोई कलरफुल कपड़े नहीं पहनते हैं, कोई बाल डाई नहीं करते हैं, फिर सडनली लिपस्टिक में आपका इंटरेस्ट कैसे आया सर? मैं आपको सच बताऊं जी कि मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई। अच्छा, और वो साजिश आज तक चल रही है। ये बगल में जो बैठी हैं, हालांकि इन्होंने फिल्म जो है वो मेरे कहने से देखी, लेकिन एक बार जब देख ली और इनको अच्छी लगी तो इतनी बड़ी इन्होंने साजिश की और इस तरह से फिल्म को जिस लेवल पे ये लेके चली गई हैं कि मैं अब उससे बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। तो इस फिल्म में काम करने वाले मर्द तो पता नहीं किस बैकग्राउंड में चले गए, उनकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। लेकिन कल हम दिल्ली में, कल और परसों अचानक मुझे लगा कि स्टेज के ऊपर में 12 औरतें बैठी हैं और मैं ऑड वुमन आउट की तरह जो है एक साइड में बैठा हुआ हूँ। एक्चुअली फिल्म की डायरेक्टर जो है वो भी लड़की हैं, डिस्ट्रीब्यूट एकता कर रही हैं, फिल्म की कास्ट भी जो मेन लीड में लड़कियाँ हैं, आप अकेले ही मर्द हैं बीच में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं ऑड वुमन आउट हूँ, मतलब कि अभी अगर औरत होता तो शायद ज्यादा बेटर होता था, कुछ मुझे जगह मिल जाती, लेकिन अब बिल्कुल ही कोई जगह है नहीं हमारे लिए। देखता, ये फिल्म देखने के बाद आपने डिसाइड किया था कि ऐसे सब्जेक्ट तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करती आई हूँ, ये कैसे कर ले, तो मैं करूँ? 100% आप राइट बोल रहे हैं। आई एक्चुअली सॉ द फिल्म एंड सॉ दैट देयर वर फोर स्ट्रांग वुमेन। ये स्ट्रांग औरतों की कहानी थी, इनकी जिंदगी में इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। उसमें रत्ना जी की कहानी तो बेस्ट लगी मुझे, बिकॉज ऑटोमेटिकली हम किसी को बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी कहकर उनको एट 40 ही आंटी बना देते हैं। एक्चुअली बुआ का भी दिल करता है उसको कोई बेबी बुलाए। हां ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बिल्कुल। एंड आई लाइक, व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस फिल्म इज सर, इसमें अच्छे गुड लुकिंग मैन है और सबसे हॉट आदमी ऑपोजिट रत्ना जी है। अच्छा, आई थिंक दैट वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल द वुमेन अबव 40 ईयर। क्लैप टू ऑल द वुमेन अबव 40। क्या हम जब हम इस देश में जब शौकीन बनाते हैं तब हमको इससे प्रॉब्लम नहीं होती, जब तीन बुढ़े खड़े होकर एक यंग लड़की को देखते हैं तब प्रॉब्लम नहीं है, बट बुआ जी कहकर बुआ जी को शोभा नहीं देता। अब बुआ जी बताएंगे उनको क्या शोभा देता है। बहुत अच्छी बात है। पीछे से आवाज आ रही, जब एकता बोल रही थी ना पीछे से आवाज आ रही, एक नंबर एक नंबर, तो हम सब दो नंबर क्या? सब बोल रही है पीछे से। नहीं, जब पाजी इधर तीन लोग बैठे बातें कर रहे हैं, हाँ, आप पीछे वाले क्यों सुन रहे हो? तो ये बताओ। मैंने आते ही पूछा था कि सिंहासन का एंगल क्यों बदला। तो एक तो आप खुद इतनी बड़ी प्रोड्यूसर हैं, आप चाहती तो अकेली भी ये फिल्म प्रोड्यूस कर सकती थी, तो प्रकाश सर के साथ कोलैबोरेशन का कैसे दिमाग में आया, मतलब क्योंकि इनके भी काफी सेंसर से होते रहते पंगे पंगे। इन्होंने मुझे फिल्म जब दिखाई तब अच्छा। मुझे नहीं पता था कि मैं ये फिल्म करूंगी, लेकिन मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। यू नो, एक क्या होता है, एक आर्ट फिल्म का एक जज्बा होता है, आपको डर लगता है कि आप सो ना जाओ, यू नो आई वाज वेरी स्कैर्ड कि मुझे नींद आ जाएगी। जब मैंने फिल्म देखी मुझे बहुत मजा आया। एक दो पोर्शन से फिल्म में जहाँ हम लोग ने अपने हमारे प्राइवेट स्क्रीनिंग में देखी, हमने फिल्म रोकी और स्टैंडिंग ओवेशन दिया फिल्म को। क्या बात है। और हमें ऐसा लगा ये फिल्म तो रिलीज करके रहेंगे। आई मीन मेरे को मेरे डिस्ट्रीब्यूशन टीम ने कहा, सब ने कहा ये आप कर क्यों रही है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। ऐसे कुछ चीज़ें हम लाइफ में प्रॉफिट के लिए करते हैं, कुछ चीज़ें खुशी के लिए करते हैं। ये मैंने सोचा है, ये मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। हम समाज को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, हम समाज से सवाल कर रहे हैं।
वो खुद ही बदल जाएंगे अगर उनको इस बात में कुछ सही लगा। पर ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारे सोसाइटी में ना रूढ़िवादी चीजें बहुत सारी हैं। आज भी कभी लड़का लड़की का रिश्ता होता ना तो ये बोलते लड़की खाना बना लेती है, और लड़के को अगर पूछो लड़का काम क्या करता, शादी के बाद कर लेगा, जिम्मेदारी पड़ जाती कर लेता है क्यों। पर सीरियसली जब हम एकता आपको देखते हैं बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और बहुत प्राउड फील करते हैं हम, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच एंटरटेनिंग थिंग, फिल्में हों चाहे टीवी सीरियल्स हों, हमें बहुत प्राउड है। और आप यूथ आइकॉन हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी लड़कियाँ हैं ये आपकी तरह बनना चाहती हैं। और Can I say one thing about you, sir? जी मेरे मॉम डैड का फेवरेट शो आपका शो है, सो थैंक यू। आई लव जीतू सर, हमेशा जब भी मुलाकात होती है मैं जितना भी काम कर लूं वो आपका शो मिस नहीं करता। सो स्वीट, मेरा प्लीज रिगार्ड देना जीतू सर को। अच्छा इंडिया में जो फेस्टिवल होते हैं ना भाई, जितने भी त्यौहार होते हैं हमेशा खान्स की फिल्में आती हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, आपने यही सोच के तो नहीं पहले दूसरे विदेशों के फेस्टिवल में रिलीज किया कि चलो हमारी पहले उनके फेस्टिवल में तो आए। हालांकि इसकी बहुत ही तारीफ हुई है जितने भी फिल्म फेस्टिवल में आपने फिल्म भेजी सर, कहाँ कहाँ कितना कितना कैसा कैसा रिस्पॉन्स रहा? 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस फिल्म को मिल चुके हैं अभी। मामी जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है वहां से लेके जापान से लेके स्पेन से लेके लॉस एंजलिस में एक फेस्टिवल होता है, और गोल्डन ग्लोब के लिए ये फिल्म क्वालिफाई कर चुकी है कम्पीट करने के लिए। और मुझे तो बहुत ही विश्वास है कि अपने देश में भी वैसी ही जब पिक्चर रिलीज होगी तो वैसी, क्योंकि ये दिस इज योर स्टोरी जी एंड दिस इज ब्यूटिफुली टोल्ड। वो सारी बातें जो आप चुपके चुपके मन में करते हैं वो सारी बातें खुल के सामने आती हैं। ये बड़ा ही ब्यूटीफुल थॉट है और आपको ढेर सारी बधाई उसके लिए। एकता फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। अच्छा ये फिल्म लाइन के लोग तो समझते ही हैं, ये अपना दिनेश मेरे को कहता मेरे चाचा जी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कहता मेरे साथ चल तेरे को मिलवाता हूँ। मैं ले गया अंधेरी स्टेशन पे ले गया, उधर सीडी की ऐसे चार पाई लगा के सीडी डिस्ट्रीब्यूट कर। अच्छा एकता आप ज्योतिष में काफी बिलीव करती है ना? जी बिल्कुल। कोई अच्छा सा बताइए ना ज्योतिष, मेरा आजकल ना कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। कुछ एक्टर्स रिप्लेस हो गए? नहीं रिप्लेस कोई नहीं हुआ, सब दोस्ती है वैसे तो। मेरा तो फंडा बहुत सिंपल है जी, जब भी कोई मेरा शो छोड़ के जाता है फेस चेंज हो जाता है। दूसरा ऑप्शन एयर पे ही मार दो। हमारे बीच में एक नया कैंपेन अभी चल रहा है, मैं अभी उसको पब्लिक नहीं करूंगा बट बता दीजिए सर। 150 करोड़ का बिजनेस जिसे नेक्स्ट फिल्म ने कर लिया, एकता की शादी करवा देंगे। कंट्री को ना एक सलमान भाई और एक मेरी शादी से क्या ऑब्सेशन है? आई वॉन्ट टू नो, उनके घर में बेटियां हैं, बच्चियां हैं, मैं मुझे 150 करोड़ का ऑब्सेशन है। लिपस्टिक 150 करोड़ करे, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तेरी शादी तो मैं करवाई। डेढ़ सौ करोड़ का ही फिगर आपने क्यों चुना सर? काफी है, मतलब मैं संतोष है उतने से। पर नहीं एकता नहीं करेगी 150 करोड़ के बाद भी, उससे पहले 1000-2000 करोड़ कमा चुकी है, करना होता तब ना करते। अपने खुद के धोते में फंसते हुए देखा किसी को? लीजिए जाओ 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 प्रकाश झा जी बिहार की शान और एकता कपूर की टीआरपी देवी, आप दोनों का हमारी तरफ से प्रणाम और हमारी फुलझड़िया की तरफ से ले लीजिए। आप लोगों के लिए मैं ड्यू रिस्पेक्ट लिपस्टिक लगाकर आई है आज। और हम भी तैयारी में आए हैं, आई हैव धोती अंडर माय कुर्ता। वैसे प्रकाश झा जी वाह आज तो आप झा गए, पाँव छूने पड़ेंगे। ऐसे ही मजाक के लिए किया लेकिन ड्यू रिस्पेक्ट सर, लेकिन इत्तफाक का बात देखिए सर, आप भी बिहार से हैं, पटना भी बिहार से है।
ये भी कैसा इत्तेफाक है कि ये भी मोटा है और बुद्धि भी मोटी। एकता जी, ये आदमी जो है बड़ी जलीकटी हमको सुनाता रहता है, अपने सीरियल में कोई सास का रोल दीजिए ना इन। क्वीन ऑफ टेलीविजन। वैसे देखिए कायदे से आपको सीरियल किलर भी कह सकते हैं। सीरियल किलर क्यों? अपने सीरियल में किसी को भी किल कर देती है यार कभी भी। ऐसा आदमी चलता फिरता है सब मर जाता है अचानक, होता है यार। बच्चा तू एडवर्टाइजमेंट है? नहीं सर। तो ऐसे बीच बीच में क्यों आ जाता है? हम क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, कहां से आते हैं, कहां को जाते हैं, कब आएंगे, कब जाएंगे, ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ये देखिए, आइए इनके भाषा में बोल दिए, एकता जी का जो टेलीविजन का भाषा में बोला। एकता जी, आपका सीरियल हमको बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो सीरियल के अंदर ऐसा वो सब वो सास बहू लड़ाई वड़ाई करता है ना, देख के बड़ा मजा आता है। वैसे देखा जाए तो कायदे से आपको तीसरा भी कह सकते हैं। कैसे मतलब? नहीं नहीं, दो को लड़ाने के बाद जो तीसरे को फायदा होता है वो तो तीसरे को ही होता है। वैसे सर एक चीज है, मानना पड़ेगा आपको, स्कूल कॉलेज के टाइम पर इसे जवाब देना तो बड़ा आसान हो जाता होगा, क्यों आपसे पूछते होंगे कि भाई शेयर मार्केट क्या है, जरा प्रकाश डालिए, आप खुद को ही डाल के जवाब दे देते होंगे, बिकॉज़ यू आर प्रकाश। आप चाहे तो इनकी बात का बुरा भी मान सकते हैं सर। शर्मा जी, आप जरा अपने जबान को वो दीजिए ना, क्या लगाम, और ना तीन गुना लगाम देना पड़ जाएगा। ऐसे ही है, दिल का बुरा नहीं है, दिमाग का पैदल है। एक काम कीजिए, हमारे दिमाग के लिए एक साइकिल दिलवा दीजिए ना, इतने पैदल हैं तो। यार एक कप्पू शर्मा, एक बात बताइए, टोकना वोकना क्या आपने इसमें डिप्लोमा किया है, क्या ऐसा नेचुरल निकलता है आपके अंदर? और एक बात भी जरा साफ साफ सुनिए, सिद्धू जी जो बोलते ना वो कहते हैं ठोको ठोको, वो टोको टोको नहीं कहते हैं। ये सवाल पूछते हैं सर, आप कभी कोई चाय वाय भी पूछिए? चाय तो तेरा बनता नहीं है, वाय पूछ लेता, वाय यू हियर बच्चा? तूने कभी दूध पूछा हमसे, कैसे तेरे पास? अरे आप दूध मांगोगे खीर देंगे, खीर मांगोगे पनीर देंगे। तो दूध कब देंगे? अरे दूध हम देंगे तो भैंसिया क्या देगी, अंडा? हम क्यों देंगे? माल का बात कर रहे हैं। वैसे एकता जी, एक बात ना, हमारे मस्तिष्क में ऐसा गोल 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 घूम रहा है, आपसे जानना चाहते थे कि आपको लेके और टाइगर श्रॉफ को लेके एक पिक्चर ऐसा लॉन्च हुआ था, लेकिन वो पिक्चर में बाद में सलमान खान दिखाई दिया, ऐसा क्यों? कौन सी फिल्म? एकता टाइगर। एकता टाइगर पिक्चर आया तो था। एकता जी, एक छोटा सा ऐसा शिकायत भी है, क्या है कि आपके सीरियल में लेडीज को इतना वो मिलता है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंस मिलता है, गहना वहना पहनती है, मतलब एकदम बप्पी लहरी जी की तरह गोल्ड में एकदम रेडी हो जाती है, मर्दों का क्या है यार, वो खाली ऐसा पुनर्जन्म लेने के लिए पैदा हुए हैं? व्हाई लाइक दैट, व्हाई दिस कोला वेरी डी? कर देखिए, ऐसा आपका भी गलती नहीं है मैडम, हम जानते हैं, मर्दों का जीवन ही ऐसा है यार, ज्यादा इज्जत मिलता ही नहीं है। जब छोटे होते हैं माँ कहती है बेटा जरा धनिया ले आना, बड़े होते हैं बीवी कहती है अरे देखिए जरा रास्ते से धनिया ले आइएगा, बूढ़े होते हैं तो बहू कहती है बाबूजी जरा धनिया जरूर लाइएगा, हमें तो सके कहीं ऊपर वाले के पास पहुंचे वो भी ना पूछ ले हे मनुष्य धनिया लाए हो। लेकिन वैसे सच्चाई की बात तो यह है, आप लोग यहाँ पर आए हम धन्य हो गए। सॉरी माँ हेलो पहुंची सब बीच में निकल गया। अच्छी अच्छी बातें की, अगर ऊपर जाएगा तो भगवान को क्या मुंह दिखाएगा? अरे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, ये मुंह लाए यही दिखाएंगे। तो यार आप थोड़ा बादाम खाइए यार, आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? अरे जिससे खरीदेंगे उसका तो फायदा होगा ना। लीजिए। अरे कल न्यूज में आ रहा था लालू जी कुछ कह रहे थे, क्या भक बकलोल कही गए? देखिए आपके इस बात का अगर हमें जरा सा भी रिस्पेक्ट होता ना तो हम यहाँ से भाग गए होते, लेकिन हम यहाँ पर खड़े हैं तो मतलब समझ जाइए। वैसे एकता जी, हम आपसे खाली एक रिक्वेस्ट करने आए थे, क्या है कि मार्केट में एक नया हीरोइन आया है, हम चाहते हैं कि आप उसको लाइक कमेंट शेयर और लॉन्च कर दे, ये बस हमारा रिक्वेस्ट है। इट इज द फोटो हम साथ में लेकर आए हैं, आप देखिए आप कैपेबल हैं, आप कर लेंगे उसको लॉन्च, ये लीजिए।
नॉट बैड हाँ ये खुद की फोटो लाया है फोटोशॉप करके और क्या अरे कमाल का बात कर रहे हैं यार फोटोशॉप करके अपना खुद का फोटो बनाना होएगा तो हम भैंसिया क्यों बनेंगे सांड बनेंगे ना यार मेल फीमेल का जेंडर का आइडिया है हमको इतना मत सिखाइए ऐसा कुछ नहीं है तो बताइए सर रोल पक्का समझे इसका बिल्कुल वाह 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 ये सीरियल में एक बार लॉन्च हो जाए कैसे लगा ये हीरोइन बन सकती तेरी अरे भाई बन सकती है हम बता रहे इसका बहुत सारा टेंट्रम है बहुत टेंट्रम हाँ हीरोइन लोग का रहता है ना जैसे अरे कहती है हमसे कल के यार लाइपोसेक्शन करवा दोगे जरा बोला यार इसको लाइपोसेक्शन करवाना है बताइए एकता जी हम बता रहे हैं ये आपको कोई भी फालतू का खर्चा भी नहीं होएगा एक बार आप इसको लॉन्च कर देंगे तो और देखो ऊपर से दूध भी देगी नहीं नहीं सॉरी माया लोपा जी ऊपर से क्यों देगी दूध तो नीचे से ही देगी देखिए आप इसको एक बार बस ना लॉन्च करने की तैयारी कर दीजिए आगे ये बाकी का कर लेगी आगे क्या कर लेगी पीछे से गोबर कर देगी तो आप एक काम कीजिए आप उसमें गुड़ मिला के ना इसके करियर का गुड़ गोबर कर दीजिए अरे यार क्यों गोबर करेगी बड़ी सोबर भाई सा ये गोबर नहीं करेगी आई प्रोमिस यू सच में देखिए आपको इसका लॉन्च के लिए ज्यादा टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है इसका कहानी ऐसा स्क्रिप्ट ब्रीफ नाम खुद लिख दिया है सुनाए नहीं ठीक है तो शुरू करते हैं ऐसा है स्क्रिप्ट तो एक बहुत बड़ा घर है कैमरा अंदर है सास बहू के बीच में ऐसा फाइटिंग थोड़ा झगड़ा चल रहा है अब अचानक से लाइट चला जाता है लेकिन बहू को फिर भी सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है ऐसे कैसे दिखता है तो लाइट दिन में गया है यार नाइट है ही नहीं हमने कहा कहा नाइट है फिर भी आदमी बीच में टोकेगा जरूर तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं सास बहू का झगड़ा चल रहा है मैडम अचानक से सास को गुस्सा आता है वो गन निकालती है शूट करने वाली है अचानक बहू अपना भेष बदलती है आह कट्टू हम देखते हैं वहां पर एक भैंस खड़ी है तो बहू भैंस कैसे बन गई नहीं बहू भैंस नहीं बनी भैंस बहू बनी हुई थी इट इज इच्छाधारी भैंस इच्छाधारी तो नागिन होती है यार इच्छाधारी अगर नाग हो सकता है इच्छाधारी नेवला हो सकता है तो यार ये प्रोफेशन में ये क्यों नहीं एंटर कर सकती व्हाट गोज यार अरे भाई से दो पैसे कमा रही है आपके टिश्यू में इशू क्यों हो रहा है यार इट इज ऑल क्लियर बस एक बार ये सुपरस्टार बन जाए बस फिर 1,00,000 प्रति लीटर के रेट पर इसका दूध बेचेंगे बच्चा तू इतना मतलब भी है बेचारी से काम कराएगा उसका दूध बेचेगा 1,00,000 रुपए लीटर यार हम यार बस मस्ती कर रहे हैं यार एंजॉय करने आए हैं मजे के लिए बोल दिए ऐसा बात नहीं है यार एंजॉय कीजिए बस जॉक्स तो सुना जॉक्स आप बहुत फोर्स कर रहे हैं चल रहने दे नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है देखे देखे क्या होता है हमारा क्या है कि एक जॉक्स का पिटारा लेके घूमते हैं बहुत फनी रहते हैं जोक्स तो क्या है क्या ऐसा माहौल बनता है ये भी करते हैं कोशिश लेकिन चलो ठीक है अपना है तो जॉक्स फेस करते अभी दुनिया को पता है यार कि चांद के ऊपर पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग है सवाल यह है कि दूसरा कदम किसने रखा किसने नील आर्मस्ट्रांग नहीं रखा यार ऐसे थोड़ी गया था दूसरा कदम सॉरी सॉरी माय लोपा जी थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिलकर बड़ा खुशी हुआ थैंक यू वेरी मच ये फिर मिलते हैं थैंक यू अक्सर आप जब एकता के सीरियल्स देखें ना उसमें हमेशा हर परिवार जो होता है ना बड़ा अमीर दिखा देते हैं औरतों की जो कहने होते हैं कपड़े होते हैं मैंने अक्सर देखा है ना लेडीज जो होती है तकरीबन वैसे तो नाइट सूट में सोती पर इनके सीरियल में देखना आप साड़ी वाड़ी पहन के महंगे महंगे हार लिपस्टिक लेके कंबल लेके उठती हैं उनकी लिपस्टिक इधर से इधर भी नहीं होती नहीं तो सुबह हमारी औरतें उठती इधर लिपस्टिक फैली होती है अच्छा बात भी करोड़ों की डील होती है मिस्टर बजाज आपने मेरे 5 मिनट वेस्ट कर दिए मैं तो 2 मिनट में 10 करोड़ की डील कर लेती हूँ अच्छा ये लड़कियां जब मेकअप उतारती हैं उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि करोड़ों की डील कर रही हूँ बाद में प्रोडक्शन वाले से लड़ रही हूँ कन्वेंस के लिए भैया मैं मीरा रोड से आई है इतना तो पर एकता बखूबी समझती हैं देखो जब डेली सोप्स शूट होते हैं तो पूरा पूरा दिन 14-14 घंटे 15-15 घंटे शूट करते हैं हालांकि कभी कभी चीटिंग भी हो जाती है जैसे कोई दुल्हन का रोल कर रही है तो अगर तो घूंघट नहीं है तो फिर तो उसको रहना पड़ता है तो अगर घूंघट वाला है तो वो लड़की अपना शॉट देके चली जाती है
अंदर ना स्पॉट बॉय रफीक बैठा रहता है। हाय पाजी। हाउ आर यू? हेलो प्रकाश जी। हाय एकू, हाउ आर यू? क्या तो एकू क्या बोल रही है, तुम्हारे साथ पढ़ती नहीं एकता? कपूर तुम्हें पता नहीं, एकता मेरी सबसे पहली प्रोड्यूसर थी, हमने साथ में एक हिट शो दिया है पाजी, बड़े अच्छे लगते हैं। अरे क्या बात है। तो जब पता था बड़े अच्छे लगते हैं तो फिर छोटा सा मुंह लेके क्यों घुस गई थी उसमें? एक तरह एक और बनाया था हम पांच, शुक्र है स्कूल लिया, नहीं तो पौने पांच हो जाता। वैसे प्रकाश जी, मैं आपकी फिल्मों की बहुत बड़ी फैन हूँ और आपकी फिल्म आरक्षण मेरी फेवरेट है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ। इसने तो उसके बाद देखने बाद इन्होंने मुद्दा भी उठाया कि आरक्षण होना चाहिए, जैसे पड़ोसियों के घर में खाना बनता है, 10-10 रोटियां बनती हैं, तो 3 हमारी आरक्षित होनी चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला था। देखो तुम्हें ना कुछ भी नहीं पता, तुम चुप रहो, मुझे प्रकाश जी से बातें करनी है। क्या? सर आप जैसे सामाजिक मुद्दों पे फिल्में बनाते हैं, मुझे भी ऐसी एक फिल्म बनानी है। किस मुद्दे पे? इसको इस मुद्दे पे बनानी है कि पहली बार मांगने पे कोई क्यों नहीं देता, मना क्यों कर देते हैं लोग। लगता है मैं जब भी बाहर निकलती हूँ मैं कुछ मांगती हूँ। देखो हर सैटरडे संडे ना तुम यहाँ बैठे रहते हो, मैं जाती हूँ पार्टी करने, मैं तो डिस्को जाती हूँ। डिस्को जाती, फरमाइशें ऐसी अजीब अजीब करती ना एकता। अच्छे वाले गाने चल रहे हैं, उसके कहती वो वाला गाना लगाओ ना भैया, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। कहते मैडम इस गाने में डांस करती, मेरे को तो इसी पे स्टेप आते, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। सरला तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, वो ऐसी बातें करती है। तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में मैं काम करने वाली थी पाजी। ट्रेलर देखने के बाद इसने जो बुर्के का इस्तेमाल किया, इसने शॉपिंग की जो इसने, ये तो है ना कि लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, इधर तो कटलरी सेट तक भी आ गए। तो बाद में कटलरी सेट आपस में टकराए ना तो आवाज आई, तो दुकानदार कहता बहन जी आवाज कहाँ से आ रही है, वो मेरी पत्थरी है ना यहाँ पे। बाद में चम्मच गिरा, कहता बहन जी आपकी पत्थरी गिर रही है। तुम बड़ा ताक झाक कर रहे हो बुरखे में, हाँ लगे हाथ कुबूले भी बोल दो। फिजूल है ना बोल दूँ मैं कुबूले तो। अच्छा एकता से बात होगी, वो तुम्हें ले रही है अपनी पिक्चर में। पिक्चर में सीक्वल बना रही है एक। अच्छा? एक ही डायन का। एक्चुअली एक तो तुम्हारे साथ भी एक सीक्वल बना सकती है। कौन सा? एक था विलन पार्ट 2। आज इधर कैसे आना हुआ? मैं एक्चुअली इनकी मदद मांगने आई हूँ क्योंकि मैं एक महिला मोर्चा ज्वाइन करना चाहती हूँ। हाँ ये बात सही है, बहुत बढ़िया। सर इनकी ऐसे डिमांड्स बदलती रहती है। कल बोलती थी मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं क्यों? कहती कंटीन में सामान बड़ा सस्ता मिलता है। महिला मोर्चा ज्वाइन करके क्या भला करेगी महिलाओं का? तो उनके विकास के लिए मेरे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। स्कीम्स तो बहुत है, ये चुंबक लगा के ना इलेक्ट्रिसिटी मीटर रोक लेती है। एक दिन एक बच्चा लॉलीपॉप चूस रहा, उसकी गुदगुदी करके उसका लॉलीपॉप गिरा दिया, बाद में घर भेज दिया और खुद उठा के धो के खाने लगी। अगर ये क्या कर रही है, यदि वैसे भी चीटियों ने खाने थे, मैंने सोचा खा लो। सरला तो कितना बिगड़ेगी और? पाजी अभी तो हम ठीक से बिगड़े भी नहीं और किसी को हमारे सुधारने की चिंता हो रही है। वाह क्या बात है। कौन से ट्रक के पीछे पड़ के आई ये लाइन? चलो हाँ तो कहना, पहले देना पत्ते कैसी खिलती है पाजी, आप मत ऐसे उसको इनकरेज किया करो पाजी। बताइए यार, बताइए नहीं मेरी नहीं को भाई, तुम्हें देखना है कि नहीं देखना? चल दिखा। ये ना एकता पता नहीं बड़े अच्छे लगते हैं, मैं तो मतलब अच्छी लड़की है पर थोड़ी बिगड़ गई है। वैसे यहाँ पे बड़ी सोफिस्टिकेटेड बन के आती है पर जैसे मोहल्ले के बाहर निकलती ना तो भी जितने भी ऑटो वाले खड़े देखते हैं, आजकल खेलता है क्या 3 पत्ते? अच्छा अगली डिमांड क्या है? मेरी अगली डिमांड यह है कि शादी के बाद हर मर्द मंगलसूत्र पहनेगा। क्यों? क्योंकि शादी के बाद सिर्फ औरतों के गले पे मंगलसूत्र लटका दिया जाता है, मर्दों का पता ही नहीं चलता कि वो शादीशुदा है या नहीं। क्यों? जो उनका मुंह यहाँ तक लटका रहता है उससे पता नहीं चलता। एक और डिमांड है और वो ये है कि शादी के बाद विदा होकर लड़का लड़की के घर आएगा। ये सही बात है, राइट? अच्छी बात है। हाँ तेरे को भी लंगर खाने जाएगी तो कंपनी मिल जाएगी। देखो लंगर खाना मेरी श्रद्धा है। श्रद्धा होती है सर, एक बार आदमी जाता है। जब ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम, डिनर के टाइम आदमी जाए ऐसे खाना, तो फिर लंगर मतलब ये लंगर ही खाने जाती ना। और वैसे है चाहे लंगर खाई लेकिन स्टैंडर्ड बहुत है, अचार घर से लेके जाती थी, मैं बिना अचार के खाना नहीं खाती। उस दिन तो मक्खन भी ले गई थी, लंगर की दाल आई इसने मक्खन डाल दिया, कहती आप कुछ भी बनाओ मेरे को दाल मखनी खानी है।
देखो दाल मखनी तो मैं खा लूंगी, लेकिन तुम किसी दिन ना धोखा जरूर खाओगे जब कोई राजकुमार आएगा और मुझे घोड़े पे लेकर चला जाएगा। ओए होए। राजकुमार घोड़े का तो मत पता नहीं, मुझे तो उसी डर है जिस ऑटो वाले के साथ ताश खेलती ना, वही ना ले जाए तुम्हें। तुमसे बात ही नहीं करनी। प्रकाश जी आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चलती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिल करके, और आपका ये महिला मोर्चा जो है बहुत अच्छी बात है, कामयाब होगा अगली फिल्म। जब मैं कल ही मुझे कोई पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, क्या कहते वो जो आती है तुम्हारे वहाँ ट्विटर की चिड़िया, वो किधर है आजकल? मुझे बात ही नहीं करना इससे। प्रकाश जी एकता आपसे कुछ, हमारे दर्शक जो है आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, माय नेम इज आनंद किशोजा, आई एम फ्रॉम बिहार। ये आपका क्वेश्चन है कि माय नेम इज? नो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन कि आपने बहुत सारी फिल्म बनाई बहुत सारे मुद्दों पे, जी जैसे राजनीति हुआ, आरक्षण हुआ, लेकिन आजकल हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्या उस पर कभी आप फिल्म बनाना चाहेंगे? मेरा तो एक ये सोचना रहा हमेशा कि जब हम आजाद हुए तो दो चीजें ऐसी थी जिसके ऊपर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, एक था प्राइमरी एजुकेशन और दूसरा था पॉपुलेशन कंट्रोल। जी अगर हम इन दो चीजों पे ध्यान देकर के 10-20 सालों तक इसी पे काम करते रहते तो हमारे सारे सुविधाएं जो हैं वो कितने अच्छे तरह सबको उपलब्ध होती। वो तो है। और आपका विचार बहुत अच्छा है और मैं सोचता हूँ कि आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। हालांकि एक्चुअली हर जब हम भीड़ भाड़ देखते हैं शहरों में हमें ये समस्या लगती है, और जिनको ये समस्या लगती ना घर जाके वो भी इसी समस्या में योगदान दे रहे होते हैं। आपकी शादी हो गई है? नहीं सर। नहीं हुई अभी? नहीं सर। तो आप इंडिविजुअली ध्यान रखना, हालांकि ये तो सर अभी तो माहौल चेंज हो गया है, पहले तो 8-9 बच्चे होते थे सर घरों में, होता था सब एक ही कमरे में सो रहे हैं, सबको सपने भी सेम ही आते थे, इतना जुड़ जुड़ के सो रहे हैं सब साथ में। क्या करते हैं आप झा साहब? जॉब कर रहा हूँ सर। चलिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जब आप शादी करें तो एक या दो ही बच्चे करें, ताकि सब जो है बाकी भगवान के हाथ में। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, मेरी शादी को अभी साल ही हुआ है, तो मैं आपके शोज में देखती हूँ हस्बैंड्स इतने सरप्राइजेस देते हैं अपनी वाइफ्स को, गिफ्ट्स देते हैं, पैम्पर करते हैं, बट मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ भी नहीं करते। आपको मैं एक बात बताऊं, इसलिए वो सीरियल है और जिंदगी जिंदगी होती है, हाफ द टाइम जो सीरियल में दिखता है वो असली जिंदगी में होता नहीं है, इसलिए आई कॉल इट सस्पेंशन ऑफ रियलिटी। ये वो रियलिटी जो हम चाहते हैं, जो असली जिंदगी में नहीं मिलता, टीवी पे देख के खुश हो जाओ। आई कांट टॉक टू योर हस्बैंड, या इवन बेटर उससे 2-3 सीरियल दिखा दो, शायद आइडिया आ जाए। सब मैम वो मूवीज देखते हैं, सीरियल्स नहीं देखते। तो लिपस्टिक दिखा दो। लव मैरिज हुई आपकी? अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। भाई साहब आपके हस्बैंड नहीं है? यस। अच्छा क्या करते हैं भाई साहब आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इतने हार्ड क्यों हैं आप फिर? आप क्यों नहीं, एक साल शादी को हुआ है, इतनी प्यारी आपकी बीवी है, कभी कभी ऐसे गिफ्ट सरप्राइज दे दिया करो यार, खुशी होती है। और देता रहता हूँ वैसे। क्या क्या गिफ्ट दिया अभी लेटेस्ट? अभी, कौन सा? अभी मुंबई लेके आया ना। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। नहीं मुंबई तो दोनों जहाज में बैठ के आए होंगे ना, तो कौन सा आप कंधे पे बिठा के लाए? पर वैसे बोल रहा हूँ तो यहाँ पे छुट्टियां मनाने आए। हाँ जी। क्या क्या घूमा फिर बॉम्बे? शिरडी देखा है। शिरडी तो शिरडी में है। हाँ शिरडी में ही है। बहुत अच्छी जगह गए आप, साईं बाबा के मंदिर। मुंबई में क्या पसंद आया सबसे ज्यादा? मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव क्यों? रोमांटिक, जो दूसरे जोड़े बैठे रहते हैं उनको देख के रोमांटिक लगा के। चलिए बहुत बहुत प्यारे हैं आप दोनों, शुक्रिया शो में आने के लिए। बहुत क्यूट हो भाई, बहुत क्यूट। थैंक यू। और कोई? यस बेटा, आपको क्या सवाल पूछना है इतनी छोटी सी उम्र में? मेरा नाम अर्थ है और मैं बैंकॉक में रहता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपका शो देखने के लिए आया हूँ। सो स्वीट, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू। और मेरे पास आपके लिए और सिद्धू पाची के लिए छोटा सा गिफ्ट है, सबकी अगर इजाजत हो तो फिर मैं पेश करूं? वे? अरे कर दे, कर वहां दे। पे आके, वहां पे आके। अरे कर दे, छोटा सा मंत्री लग रहा है सिद्धू साहब। कपड़े भी ऐसे पहने। यस बेटा प्लीज कम। अरे बड़ा क्यूटी पाए यार तू तो, देखने में छोटन लगे घाव करत गंभीर। अभी बेटा कैसे आप?
बड़ा क्यूट है यार ये। ए, नहीं, नहीं। तो ये मैं वहां से एक छोटा सा ब्रॉच लेके आया था, तो फिर ये आपके लिए। तो स्वीट, थैंक यू बेटा। और सिद्धू पाजी के लिए भी। अरे वाह बेटा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ बता ना, बता बता। आपके मुझे शेर बहुत ज्यादा पसंद है। God bless you. पीते रहो, पुश करो। और कोई हमारे दोस्त, ये जो जी। माय नेम इज सपना, मैं एकता जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी एकता जी, आपके शो हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, पर आप नई नई एक्ट्रेस इंट्रोड्यूस करते हैं, पर एक बात आप बताइए कि आप इतनी खूबसूरत हैं कि हम सीरियल में आपको कब देखेंगे? थैंक यू, लेकिन मुझे एक्टिंग का ए नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को कभी कास्ट करूंगी, मैं ऑडिशन में ही फेल हो जाऊंगी। और आई थिंक आई एम अ स्मार्ट बिजनेस वूमन, अगर मैं एक्टिंग करूंगी तो सिर्फ मैं और मेरी फैमिली शो देखेंगे। नहीं नहीं, और मुझे टीआरपी नहीं आएगी। हम भी देखेंगे। कोशिश करूंगी, पर मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद मैं किसी एक्ट्रेस को ये नहीं कह पाऊंगी एक्टिंग कहाँ से सीखी, वो कह सकती है तुमसे। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? यस ब्रदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू, बिकॉज आपके वजह से मैंने अपनी एक वाइफ की विश पूरी की। शादी से पहले एक शर्त थी, आप हनीमून जाना पसंद करोगे या कपिल शर्मा के शो में आना पसंद करोगे? तो फिर लो आ गए, आज हनीमून पे नहीं गए? नहीं गए। यार यू हैव केप्ट द बेस्ट फॉर लास्ट पार्ट। पहले सच्ची बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे? कितनी देर होगी शादी को? 6 महीने। 6 months. बहुत बहुत मुबारक आपको, पर मतलब हनीमून मना के ही आए हो ना आप? नहीं, ऐसे कैसे? ये तो झूठ है। लोनावला तक नहीं गए? लोनावला तक नहीं गए? कहाँ, मुंबई में रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। अच्छा एक चीज बतानी थी एकता जी को, हमारे पास एक स्टोरी है जिसका नाम शीशा है, बिकॉज इनका नाम शीतल है और मेरा नाम शाहनवाज है, मराठी मुलगी और मियाँ भाई लड़का, इस तरह की कहानी। 10 साल तक एक्चुअली हमारा अफेयर चला, 7 साल हम अलग थे बिकॉज मैं अब्रॉड गया स्टडीज के लिए, वापस आए तो यहाँ का कल्चर में हिंदू मुस्लिम का काफ़ी टेंशन होता है जी। उसके साथ लड़ते लड़ते सबको समझाते 6 महीने पहले हमने सबको मना लिया और एक शर्त खाई थी, ना वो घर से भागेगी ना मैं घर से भागूंगा। और अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। आपके लिए हमारे पास एक गिफ्ट है, बड़ा खूबसूरत सा, आपकी नई नई शादी हुई था, आपको गिफ्ट देते हैं। थैंक यू। यार 10 साल पहले ही अलग रहे आप, 6 महीने शादी को हो गए, हनीमून अभी तक गए नहीं। ऐसे मत करो यार। ये एकता, ये खूबसूरत सा मोबाइल है, इनको प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आई होप बहुत सारे लोग आपकी कहानियां सुने एंड वी शुड नॉट हैव एनी बिगर रिलीजन देन लव। अब वक्त है लिपस्टिक अंडर माय बुरखा फिल्म की एक खूबसूरत अदाकार से मिलने का। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम प्लाबिता बो ठाकुर। वेलकम सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी क्यूट लग रही हैं आप। थैंक यू। तो सीधा स्कूल से ही आ रही हैं? तो बहुत छोटी सी लग रही है, मैंने ट्रेलर में देखा, ट्रेलर में एक्चुअली नहीं पता चलता। जिंदगी जवाब थी, अचानक से सवाल हो गई, बरस गया बादल, हवा की अलग सी एक चाल हो गई। वाह। लग रही हो आप सोने के खनकते कंगन के जैसी, आपके आने से दिल की तिजोरी तो माला माल हो गई। तिजोरी माला माल हो गई। पहले एक लड़की बैठी थी खूबसूरत सी काली ड्रेस में, अब नेक्स्ट वाली लाल हो गई। प्लाबिता सबसे पहले तो आप ये बताइए आपके नाम का मतलब क्या, बड़ा खूबसूरत पहली बार सुना मैंने नाम। थैंक यू। मैं असम से हूँ और ये असमीज नाम है। ओके। और इसका मतलब है बहते रहना, टू कीप फ्लोइंग ऑन।
बड़ा खूबसूरत नाम है। अच्छा, इस फिल्म के ट्रेलर में मैंने देखा है जो जिस तरह के किरदार निभाए हैं आपने, बड़ा ही डेयरिंग एक्टर होना चाहिए उसके लिए, तो ये आपने जब ये कहानी सुनी थी तो आपने एक फटक से हाँ कर दिया था, कैसे प्रोज एंड कॉन्स देख के आपने? एक तो प्रकाश झा प्रोडक्शन पहले बोला, फिर मैंने सोचा वाओ, अब मैं तो नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे अगर एक प्रकाश झा प्रोडक्शन की फिल्म मिल रही है वो बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद मैं वो सोच के गई। लेकिन जब स्क्रिप्ट मिला, और जैसे मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, बुरी बात है, पर मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन ये स्क्रिप्ट जो है वो पहला चीज़ है जो मैंने स्टार्ट किया और ख़त्म किया एक ही बार में। अच्छा। मतलब बिना रोके, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आया पढ़ के, और मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट कभी मैंने पढ़ी नहीं है और ऐसी कोई कहानी कभी मैंने सुनी नहीं थी। इट वॉज ब्यूटिफुली रिटन, और मुझे लगा कि अगर ये मतलब इसके बारे में अगर मुझे दोबारा सोचना पड़े तो मैं स्टूपिड हूँ। आप बड़ी क्यूट हैं, आप अभी अभी पढ़ाई खत्म की ना आपने? नहीं नहीं, मैं बस छोटी दिखती हूँ। लड़की ऑनेस्ट है। लविता, आपने सोचा था आप इतनी छोटी सी एज में प्रकाश झा और एकता कपूर के साथ आएंगे और सीधा सिद्धू जी को देखने का मौका मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तुम अपने बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हो, मतलब कि कपिल शर्मा के सामने आप बैठेंगे उनके शो में, ऐसा सोचा था कभी? हाँ, मैंने मतलब यूजुअली ऐसा ही सुना है आपके शोज में कि आप दूसरे गेस्ट को ऐसे पूछते हैं ना, तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप आपके बारे में पूछेंगे। हेलो एकता जी, हेलो मैम, हेलो प्रकाश सर, कैसे हैं आप? आपको पता है शर्मा जी, आज मैं और सिद्धू भाई इकट्ठे आए। अच्छा अच्छा, ड्राइवर रख लिया तुझे? फिर आपको मैं ड्राइवर लग रहा हूँ? लग तो तू चाय वाला रहा है, मैंने वैसे थोड़ी रिस्पेक्ट दिया और कुछ नहीं। ये क्या बन के घूम रहा है तू? ये आप पूछ रहे हैं, आपकी तो खुद की स्पेशलिटी है मर्द को औरत बनाने में। पाजी, इनकी तो छत पर कबूतर भी कबूतरी बनकर ऐसे करके बैठते, कहीं छत से ना निकाल देंगे। मैं औरतों के हक की पाजी बात करने के लिए आया हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में औरतों के लिए मेकअप फ्री हो जाना चाहिए। क्यों? जैसे वाईफाई फ्री होता है, इंटरनेट फ्री होता है, मेकअप भी फ्री हो जाना चाहिए। जिन जिनको बात अच्छी लगी जोरदार तालियां। नहीं क्यों, मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेकअप फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि बिना मेकअप के मेरी बीवी मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो बिना मेकअप के मेरी बीवी जब बाहर खड़ी होती है, लोग उसके साथ हाथ मिला जाते हैं, भाई साहब क्या हाल है। तो बीवी ने अगर तुम्हें कहीं नहीं बोला कि तुम भी मेकअप करके आओ कभी? हाँ। नहीं नहीं बोला है उन्होंने भी, वो थोड़ी बात बतानी मैंने आपको। इसलिए पाजी मेरा दिल करता है, क्योंकि मेकअप करने देना चाहिए, ये आजादी जो है उनको दे देनी चाहिए, ना दो तो वो छीन लेती हैं। अगर सपोज मानिए, अगर मेकअप हो ही ना, आम आदमी के पास से बाहर हो जाओ, कैसा माहौल होगा? टीवी सीरियल्स के नाम चेंज हो जाएंगे, मैं तुलसी तेरे स्ट्रेट बालों की, मोहे अगले जन्म फेशियल की जो, जैसी जैसी चौड़े दांतों वाली कोई नहीं, टैगलाइंस कैसी कैसी होंगी, क्या वो अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करा पाएगी, क्या उसकी झुर्रियों का पर्दाफाश हो सकेगा, देखते हैं अगले एपिसोड में। इसलिए उनको आजादी दे देनी चाहिए। तो खैर, ये तो थी औरतों के हक की बात, अब मैं करूंगा मर्दों के हक की बात। अच्छा, कहने का ये मतलब है कि मर्द भी औरतों से उतने परेशान है जितने की औरतें मर्दों से परेशान है। पाजी, शादी के बाद हर मर्द टेंशन में घूमता है। क्यों? कुछ तो शादी से पहले भी घूम रहे हैं। और कुछ पाजी जो घर में कुछ नहीं बोलते, भीगी बिल्ली बनकर बैठे होते हैं, वो यहां आकर बोल रहे थे, ओ अच्छा गया गुरु। बंदे की तो लाइफ कोई नहीं है। जैसे लड़की बाहर निकले ना, 10 रिक्शे वाले आ जाते हैं, हेलो मैडम रिक्शा, मैडम रिक्शा, हेलो मैडम रिक्शा, हेलो मैडम रिक्शा। बंदा रिक्शे को हाथ देता, रिक्शा नहीं रुकता, हेलो रिक्शा हट है। अच्छा खैर, एक बात और, कौन मर्द है जो बिना मेकअप के अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है? कोई भी नहीं। इसलिए मेकअप बड़ा जरूरी है, मेकअप करने देना चाहिए। सो थैंक यू सर। मैंने आप एक सवाल पूछ लीजिए इनसे, यहाँ कौन सी औरतें जो अपने हस्बैंड को सच में मेकअप के साथ ज्यादा पसंद करेंगी, थोड़ा बड़ा बार बार बना दे, थोड़े दाढ़ी वाड़ी बना दे, ये सवाल से मर्दों को क्यों किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कौन सी जो लेडीज हैं वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड उनको मेकअप में पसंद करें? मेकअप एटलीस्ट थोड़ा बहुत सज दे, बेटर लगे, थोड़ा रोमांस कर ले। ऑल द वुमेन पुट योर हैंड्स अप, दिस इज योर टाइम।
आपने सुना? हाँ जी जी, मैंने सुन लिया, उन चार लोगों ने ऐसे किया बस। आपने देखा सुना नहीं, बहुत लोगों ने हाथ नहीं उठाया लेकिन आवाज बहुत लोगों ने की। अभी इसमें मर्दों की भी आवाज है। खैर, ये जो आजादी है, जैसे मर्द सांस लेता है वैसे औरत सांस लेती है, तो इसलिए जितनी आजादी मर्द को उतनी औरत को होनी चाहिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अच्छी बात है। एक बार जोरदार तालियां इस फिल्म की पूरी टीम के लिए, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। सर ढेर सारी शुभकामनाएं। एकता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच प्लाबिता। आइए आपके साथ एक सेल्फी हो जाए। थैंक यू सो मच। और आप सब लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए लकबर शर्मा शो।